Geekbench 6 का जब मैंने स्कोर निकाला ना तो आईक्यू 90 में बहुत बेकार सा स्कोर आया था। कि दोनों को मैंने जब गेमिंग करी थी ना 90 FPS वाली, तो आईक्यू 90 के अंदर बैटरी ड्रॉप ज्यादा हुआ था। तो आज अपने पास है ना सेम ब्रांड के दो फोन है, एक तो है आईक्यू 90 और ये है आईक्यू नियो 7 प्रो। ये दोनों आईक्यू के फोन है, बट यहाँ पर ये चेक करना है आईक्यू 90 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 और नियो 7 प्रो के अंदर भी सेम प्रोसेसर है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या हो गया, नियो 7 की प्राइसिंग जो स्टार्ट बेस वेरियंट है ना, लाइक यहाँ पर 34-35,000 के पास है, सेल ऑफर के टाइम पे 32-31 तक भी बिक जाता है आराम से। आईक्यू 90 ना भाई, इसकी नॉर्मल प्राइसिंग मतलब 50,000 रुपीस है, और साथ में आईक्यू 90 बहुत टाइम पहले आया था जो सेल हो रही थी यार कभी कभी है ना बीच में, ये आईक्यू 90 है ना भाई 36,000-35,000 रुपीस के आसपास मिलता है। और आपने से बहुत लोग के क्वेश्चन आया था कि ये वाला ले या फिर ये नया वाला ले, दोनों में से कौन बेस्ट होगा। इन दोनों में ना बहुत मेजर डिफरेंस है जो आपको ऊपर ऊपर से तो नहीं दिखेंगे, बट जितना हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे ना आपको सारी चीज पता चल जाएगी। तो भाई देखो डिजाइनिंग को लेकर तो यहाँ पर दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आईक्यू 90 जो अपना BMW जो डिजाइन है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करता है, नीचे मैट है ऊपर ग्लॉसी है, साइड में पूरा मेटल फ्रेम मिलता है, जो डिस्प्ले भी है वो भी फ्लैट यहाँ पर आती है। प्रीमियम तो जरूर लगता है हाथ में आईक्यू 90, बट जो नियो 7 प्रो है ना ये वीगन लेदर के साथ वाला वेरियंट मेरे पास में, बट इसमें नॉर्मल वेरियंट भी आपको मिलता है। और इसके अंदर एक चीज बता, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इसमें आपको ना प्लास्टिक की फ्रेम मिलते हैं साइड में, जबकि 90 में मेटल फ्रेम आ रहे थे और आयर ब्लास्टर इन दोनों के अंदर आते हैं। बाकी सामने से देखने पे दोनों फोन है ना मतलब एकदम बेजल नॉच वगैरह सब कुछ सेम फॉरवर्ड करते हैं, बट आईक्यू 90 ना हाथ में विदाउट कवर बहुत ज्यादा प्रीमियम लगेगा जब आप इन दोनों में से एक चीज को देखोगे। तो ये भी अच्छा है वीगन लेदर वाला, बट इसमें साइड में मेटल नहीं है, प्लास्टिक ही आता है। देखो ये कंपैरिजन एक इसके लिए भी है कि सेम ब्रांड जो मतलब स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला प्रोसेसर है, लाइक एक महंगे में कितना दे रहा है और इस भाई साहब में कितना दे रहा है। तो यहाँ पर हमारी टेस्टिंग टेकी पाठशाला स्टाइल में हम लोग करके देखेंगे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने दोनों फोन के अंदर 100% चार्ज कर दिया, और उसके बाद में दोनों ही फोन को यहाँ पर हम लोग ने सेम एप्लीकेशन लगा के अभी चला के देखने वाले हैं, और ये भी चेक करेंगे कि दोनों की बैटरी लाइफ में भी कितना ज्यादा डिफरेंस निकल कर आता है। तो सबसे पहले एंटीडू बेंचमार्क निकाला हम लोग ने, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम पे आईक्यू 90 विन कर गया, बट सेकंड जब टेस्ट निकाला तो वहां पर नियो 7 प्रो विन कर गया ज्यादा बेटर स्कोर के साथ में। पर फिर बाद में स्टोरेज का स्पीड टेस्ट निकाल के देखा, दोनों में सेम स्टोरेज आती है, बट जो रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा हमको देखने मिली 90 के अंदर। फिर गीकबेंच 6 का स्कोर निकाला, सीपीयू थ्रॉटल का स्कोर निकाल के देखा, और सीपीयू थ्रॉटल दोनों में ऑलमोस्ट सेम निकल रहा है, बट एवरेज जिप स्कोर मैक्सिमम जिप स्कोर वो हमको नियो 7 प्रो में थोड़े ज्यादा बेटर देखने मिले। फिर 3D मार्क की स्टेबिलिटी करके देखी, ऑलमोस्ट क्लोज वाले ही स्कोर निकल कर आए थे। सिर्फ हाँ गीकबेंच 6 का जब मैंने स्कोर निकाला ना तो आईक्यू 90 में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिला, इतना आना नहीं चाहिए था, बट पता नहीं इतना बहुत बेकार सा स्कोर आया था इसके अंदर। तो मैंने इसका बाद में फिर से एक ऐसे टेस्टिंग के बाद में एक बार और ट्राई करके देखा था गीकबेंच का स्कोर, फिर से आप चेक कर सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस निकल कर आया। तो अभी यहां तक ये सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, अभी जिसके अंदर क्या सीन है क्या, आईक्यू 90 के अंदर जो बैटरी आती ना भाई वो 4700 mAh की है, बट वही नियो 7 प्रो के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। ऑफ कोर्स आपको बड़ी बैटरी है, सेम प्रोसेसर है, बट बैटरी बैकअप भी आपको थोड़ा ज्यादा नियो 7 प्रो के अंदर देखने मिल रहा है, 82% यहाँ पर बैटरी है, आईक्यू 90 के अंदर 75% की बैटरी। फिर हम लोग ने हाफ एन आवर पे 4K का YouTube का वीडियो प्लेबैक कर दिया दोनों ही फोन के अंदर, फिर ये खत्म हुआ। फिर उसके बाद में मैंने 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, अब यहाँ पर जो बैटरी गिरी है ना वो अभी आईक्यू 90 पर ऑलमोस्ट आ चुकी है 58% की, वहीं अपना ये जो भाई है ना नियो 7 प्रो ये आ गया था 67% पर, यानी कि ऑलमोस्ट 9% तक का डिफरेंस देखने मिल गया। तो यस बड़ी बैटरी है और थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बैकअप आपको 90 से बेटर नियो 7 प्रो पे मिल जाएगा, क्योंकि 300 mAh थोड़ा ज्यादा मिल जाता है इसके अंदर। बाकी चार्जिंग जो वाली जो बातचीत है ना दोनों में सेम आता है, 120 वाट का बड़ा सा चार्जर है, तो मतलब ऑलमोस्ट 0-50% दोनों ही फोन 8-10 मिनट के अंदर हो जाते हैं। फिर देखो इन दोनों फोन के अंदर एक चीज है कि आप तो प्ले स्टोर पे जो भी एप्लीकेशन है ना भाई दोनों के अंदर एकदम सही तरीके से चल जाएगी, कोई ऐसा रोना धोना नहीं, एकदम धाकड़ तरीके से, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब बात आती है थोड़ी सी हैवी परफॉर्मेंस की, जिसमें आपने सबसे पहले वीडियो रेंडरिंग तो देख ही ली है, अगर बात करूं गेमिंग को लेकर तो यहाँ पर एक चीज कैसा है कि जब मैं इस पर अभी गेमिंग कर रहा हूँ ना, जब मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ टाइम पहले ही नियो 7 प्रो के अंदर 90 FPS अनलॉक हुआ था, जो इसकी पहली जो BGMI की अपडेट थी ना उसके अंदर नहीं हुआ था। लेटेस्ट 2.8 या 6 का जो पैच आया था ना उसके अंदर 90 FPS अनलॉक करा इसने, पर ये उसके पहले वाले पे हो गया था 90 FPS अनलॉक करके। तो अब पहली बात तो देखो 60 दोनों के अंदर अच्छे चलने वाले, कोई 60 में ग्लिच नहीं आएगा, आप मजे कर सकते हो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। पर जब बात आती है 90 FPS को लेकर ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि नियो 7 प्रो और आईक्यू 90 के अंदर थोड़ी सी जो मतलब डिफरेंस में ना उतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लाइक है ना 4-5% का मैं कहूंगा कि डिफरेंस देखने मिल सकता है, वरना इसके अंदर जो 90 FPS की स्टेबिलिटी है ना वो काफी अच्छी है, मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट 90 नहीं है बट एवरेज कहूंगा 80 के आसपास वाले FPS आराम से चला देगा, और वही आईक्यू 90 भी सेम आपको 80 के आसपास वाली गेम प्ले करवा देगा। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि
आईक्यू 90 के अंदर थोड़े से बेटर एफपीएस स्टेबल रहते हैं। मैंने इसका भी 90 एफपीएस और इसका 90 एफपीएस अलग अलग बना रखे हैं। चाहिए तो आप वो चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना गेमिंग पाठशाला पर, वहां पर ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बना रखी दोनों की, तो आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा कि एफपीएस कहां पर है। बट इतना है कि 60 में दोनों ही मस्त है और 90 में ऑलमोस्ट मुझे बस थोड़ा बहुत ही फर्क देखने मिला, बस ये थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा। तो देखो मैंने क्या किया था कि एक और चीज है कि दोनों को मैंने जब गेमिंग करी थी ना 90 एफपीएस वाली, तो आईक्यू 90 के अंदर बैटरी ड्रॉप ज्यादा हुआ था, मतलब यहां पर 25% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। और रीजन ये था कि ये फोन ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म फील हुआ था। एक तो यहाँ पर जो इसके मेटल फ्रेम हो गए और एक ग्लास बैक हो गया, हाथ पे बहुत ज्यादा गर्म फील करता है, इसके लिए 25% ड्रॉप था। बट वहीं नियो 7 प्रो के अंदर जब हम लोग ने गेमिंग करी थी ना, तो वहां पर ये सिर्फ 16% का बैटरी ड्रॉप दिया था, जबकि इसमें भी हम लोग ने 1 घंटे की 90 एफपीएस की गेमिंग करी थी। तो यहाँ पर ये वीगन लेदर और जो चीजें कहूंगा जो कंट्रोल हो गया अपना वीसी चेंबर कूलिंग का, वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ लगा मुझे। तो यस, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ पर आता है। अभी देखो दोनों फोन के अंदर जो डिस्प्ले भी है ना, वो आते हैं सेम 6.78 इंचेस के AMOLED 120 हर्ट्ज वाले HDR10+ हो गया। बट जो IQ 90 है ना, वो 1500 की निट्स लाता है और Neo 7 Pro 1300 की निट्स लाता है। बाकी दोनों ही फोन 1 मिलियन कलर शो कर सकते हैं, और लेकिन इतना है कि IQ 90 पर गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, Neo 7 Pro पर स्कॉट सेंसेशन अप मिलता है। अब ये दोनों कितने ज्यादा अलग है क्या है, वो तो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैंने जब से इन फोन को यूज करा है बिना कवर के यूज करा है, और इस पे पहले से जो प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आता है ना वो लगा रखा है, और सेम इस पर भी। तो स्क्रैचेस वगैरह तो बस स्क्रीन गार्ड पर आया, तो गिरा विरा तो बस नॉर्मली है, कोई मेजर कुछ नुकसान तो ऐसा बड़ा हुआ नहीं है। बाकी अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे तो दोनों ही फोन है ना HDR10 का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे चला के दे देंगे, वो भी अपना मस्त में फुल HD के साथ में ऑफकोर्स। अभी देखो इन दोनों फोन पर है ना, डिस्प्ले में जाओगे तो ऐसे स्क्रीन कलर ऑप्शन करने का ऑप्शन मिलता है, ब्राइट पर यहाँ पर भी है और सेम यहाँ पर भी मैंने यूज करा है दोनों फोन को। आईक्यू वीवो के फोन जब आप लेते हो ना, तब ये सेटिंग मेरे हिसाब से जब अप्लाई करोगे ना, तो आपको बेटर कलर दिखने मिलेंगे, वरना थोड़ा सा नेचुरल न्यूट्रल कलर दिखने मिलेगा। तो ये सेटिंग पहले अप्लाई कर लेना। अभी देखो दोनों फोन के अंदर मैंने सेम कंटेंट चला रखा है Neo 7 Pro 90 के अंदर, और कलर्स वगैरह भाई कुछ पता नहीं चल रहा है, लिटरली दोनों सेम देखने मिल रहे हैं और दोनों फुल ब्राइटनेस पर है। और मतलब अगर मैं YouTube पे कंटेंट देख लूं और चाहे मैं Netflix पर देख लूं, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं आएगा कंटेंट कलर्स को लेकर। तो आप इसके अंदर भी आपको अच्छे कलर मिल रहे हैं और इसके अंदर भी आपको अच्छे कलर मिल रहे हैं। तो एट दी एंड मैं इसमें थोड़ा सा भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, मतलब मुझे तो यहाँ पर साइड बाय साइड सभी चीजें सेम, शार्पनेस ब्राइटनेस जो भी कह लो सब कुछ, भले 1500 ब्राइटनेस यहाँ पर हमको मिलती है, पर इतना है कि वो HDR के अंदर काम करेगा और ये HDR के कंटेंट मैंने चला रखे हैं। और आउटडोर की ब्राइटनेस भी इतना है कि दोनों ही डिस्प्ले अच्छी तरीके से विजिबल रहती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये जो 90 है ना, इसमें थोड़ा सा हल्का बेसी लगता है, मतलब इससे थोड़ा सा लाउडर कह सकते हैं। मतलब अगर मैं इसे नंबर 10 देता हूँ तो इसे मैं नंबर 12 दे सकता हूँ, बस इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बस यहाँ पर। लेकिन फिर भी ड्यूअल स्टूडियो के हिसाब से दोनों ही अच्छे मिलते हैं। सेम कैमरा दोनों के अंदर आते हैं 50 मेगापिक्सल के साथ में, बट IQ 90 के अंदर 13 MP का अल्ट्रा वाइड है और साथ में 12 MP का टेलीफोटो लेंस है जो 2x तक ऑप्टिकल जूम रहता है। और वहीं Neo 7 Pro के अंदर यहाँ पर आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है और बाकी मैक्रो है और सेल्फी भी दोनों के अंदर सेम आती है। अभी देखो मैंने यहाँ पर है ना बहुत सारे फोटोज ट्राई करके देखे दोनों ही फोन के अंदर, और एक चीज तो महसूस जरूर हुई है कि यहाँ पर IQ 90 के अंदर आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट देखने मिल जाएंगे डे लाइट के अंदर, लो लाइट्स के भी अंदर। अल्ट्रा वाइड की भी बात आएगी ना, तो वहां पर भी आपको 90 थोड़ा सा बेटर मिलेगा क्योंकि 13 MP है ना, 8 MP के मुकाबले ऑफकोर्स थोड़ा सा डिटेलिंग आपको ज्यादा निकाल के देगा। फिर अपना 12 MP का टेलीफोटो लेंस आ जाता है जो ऑप्टिकल पोर्ट्रेट वगैरह में मस्त आउटपुट निकाल के देता है, क्योंकि इसके अंदर वो लेंस नहीं है तो यहाँ पर वो पोर्ट्रेट अलग तरीके से बनाएगा, मतलब लाइक आर्टिफिशियल क्रिएट कर लेता है। तो यहां पर ऑफ कोर्स कैमरा में अगर आप देखने जाओगे ना, तो बेटर रिजल्ट आप लोगों को 90 के अंदर मिल जाएंगे, चाहे वो डे लाइट फोटोज हो गए चाहे वो लो लाइट फोटोज हो गए। इवन मैंने इसके अंदर एक और चीज नोटिस करी है Neo 7 Pro के अंदर, कि जब इसकी मेन फोटो से अल्ट्रा वाइड की फोटो जब जाती है ना, तो आप जो कलर शिफ्ट है ना बहुत ज्यादा है, कलर शिफ्ट छोड़ो बूस्टेड बहुत ज्यादा मिलती है अल्ट्रा वाइड की फोटोज, तो वो अभी तक थोड़ा सा उतना फिक्स नहीं हुआ है, तो इसके अंदर थोड़ी सी वो चीज लगती है। बट ये ऐसा नहीं है, ये परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, जब मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपको सैंपल्स जब देखने के बाद में IQ 90 के कैमरास आपको बेटर देखने मिलेंगे। ये भी अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से, बट जब ये अगर आपको 36,000 देखने मिलेगा ना, 35,000, तो डेफिनेटली आपको 90 के फोटोज ज्यादा बेटर लगेगी। बाकी जब मैंने फोटोज ट्राई करके देखे तो एक चीज था कि यहाँ पर मुझे ना फिर भी 90 की जो सेल्फीज है ना थोड़ी ज्यादा बेटर लगी है, थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी है डिटेलिंग में भी, पता नहीं क्यों सेम 16 MP होने के बाद में भी यहाँ पर रिजल्ट मुझे थोड़े से 90 के अंदर बेटर लगे। अभी जब ये 90 आया था तो Android 12 के साथ में आया था, और ये तो
तो लेटेस्ट 13 के साथ में आया था। तो एक बात तो मेरे हिसाब से ये श्योर रहेगी कि अगर इसमें सपोज एंड्रॉइड 15 तक आता है तो यहाँ पर ही एंड्रॉइड 15 तक नहीं जाएगा, इसमें एक साल आपको कमी देखने मिलेगा जहां तक मैं श्योर हूँ। ऑफिशियली कोई डेटा नहीं मिला है मुझे ना 90 को लेकर ना इसको लेकर, तो मैं एक नंबर बोल रहा हूँ जहां तक मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल का एंड्रॉइड मिल जाएगा। और इसमें 90 के अंदर एंड्रॉइड 13 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर भी 13 है, तो 14 मेरे हिसाब से आएगा, तो प्रायोरिटी पहले इसको होगी, एक समझ के चल सकते हैं। बाकी फोनटेच ओएस 13 दोनों का सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, अच्छा है, सिंपल है, क्लीन है, थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर आते हैं वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, उसके लिए मैंने आपकी अनबॉक्सिंग या डिटेल रिव्यू आई थी तब उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ मैं दोनों को ही बोलूंगा सेम ही है यहाँ पर ये। बाकी ये दोनों 5G फोन है बट 90 के अंदर आपको एक 5G बैंड एक्स्ट्रा मिलता है, बट ब्लूटूथ 5.2 है 90 के अंदर, बट वही इसमें लेटेस्ट 5.3 है। वाईफाई 6 दोनों के अंदर सेम आता है। नियो 7 प्रो के अंदर NFC नहीं है बट 90 के अंदर है। बाकी दोनों ही फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आज तक मुझे कोई ग्लिच नहीं करा है, दोनों अच्छे से चल रहे थे, दोनों अच्छे से वर्क करते हैं। और इसका IP52 की रेटिंग है 90 की, बट इसका कुछ पता नहीं है, मेंशन ही नहीं करा है। और कॉल क्वालिटी वगैरह तो भाई दोनों में अच्छी लगती है, कोई ऐसा इशू तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें ऐसे फाइनल वर्डिक्ट को लेकर, तो देखो एक बात तो आप लोगों को ये वीडियो देख के समझ गया रहेगा कि 8+ Gen 1 दोनों के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, हैवी टास्क वगैरह में सब कुछ अच्छा है। सिर्फ इतना है कि इसमें ना आपको बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी, क्योंकि 5000 mAh है, ये 4700 mAh है, और डिफरेंस भी कितना ज्यादा था इसके अंदर। एक चीज तो है, जब जब आप हैवी काम करोगे ना तो 90 के अंदर आपको बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा जब आप इससे कंपेयर करते हो तो। और यहाँ पर एक और बात है, जब आपको 90 अगर आप लोगों को आराम से 35-36 मिलेगा तब ये वर्थ है, बट अगर आप लोगों को ये मिलता है 40-45 तब मैं नहीं कहूंगा इसकी तरफ मत जाना, दूसरे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। बट एक चीज है कि या इसमें से इसमें क्या फर्क आएगा, जब अगर सपोज दोनों ही 35,000 के आसपास मिलते हैं या फिर ये 35 या ये 32,000 के आसपास है, तो आपको डिफरेंस तो देखो सबसे बड़ा कैमरा में देखने मिल गया, टेलीफोटो लेंस है, अल्ट्रा वाइड भी बेटर है, तो कैमरा में थोड़ा सा ये प्रीमियम रहेगा। इवन अगर इसकी इन हैंड फीलिंग भी, साइड में मेटल फ्रेम है वो भी थोड़ी प्रीमियम लगती है, लेकिन इसमें बैटरी कम आती है 300 mAh, जो इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर अगर मैं होता तो मैं ओवरऑल इसकी तरफ जाता, क्योंकि कैमरा थोड़े बेटर है इसके मुकाबले, परफॉर्मेंस थोड़ी सी सेम ही है कह लो, लेकिन बैटरी ड्रेन है, ठीक है। अगर हम हैवी काम नहीं करेंगे, नॉर्मल काम रहेंगे, तो एक दिन तक का बैटरी बैक ये इजीली निकाल के दे देगा। ये मेरे थॉट्स थे, आप लोगों के क्या थॉट्स होंगे वो एक बार कमेंट में शेयर करना कि क्या आप चूज करोगे। बाकी मैं देखो ऐसे ना डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, बट आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, सपोर्ट है, सब्सक्राइब बटन को दबा दोगे तो बस वो ही सपोर्ट है मस्त में। और लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए रहेगी उसके लिए कमेंट में लिख दिए रहेंगे टॉपिक, तो आप चूज करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।